तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग के टोटल सीट कितने हैं, ठीक है, और फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कट ऑफ कितने रहने वाले हैं 2024 में, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर आपके कम परसेंटाइल हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 2024 का सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है, ठीक है, प्रूफ। तो यहाँ पे आप सभी लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सारे चीज़ का जानकारी दे दिया गया है, UGSC 2024 के संबंधित प्रमुख सूचनाएं, ठीक है। इसमें सारे चीज़ का आपको सुविधाएं प्राप्त करके की गई है कि आपको क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसमें सारा चीज़ बताया गया। तो हम लोग आप सीट मैट्रिक्स देखेंगे कि आखिर सीट कितना है इस बार, ठीक है, टोटल सीट कितना है और कितने परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा फॉर बिहार इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो टोटल सीट हम लोग देख लेते हैं कितना है। देखिए यहाँ पे टोटल सीट आपका जो है, ठीक है, टोटल सीट की बात कर ले तो 13,675 है, ठीक है। बिहार इंजीनियरिंग में टोटल सीट कितने हैं, 13,675। तो बिहार इंजीनियरिंग में अगर आपका एडमिशन लेना है तो अगर आपके परसेंटाइल 2% या 1% भी हैं JEE मेंस में तो इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि सीट की संख्या बहुत ज़्यादा है। सीट की संख्या है 13,775, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरी वाइज भी सीट बढ़ जाते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज सीट बढ़ जाते हैं। इसमें ओपन सीट जो है, जैसे UR रैंक के जो सीट्स हैं, ठीक है, ओपन सीट मतलब कि जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों फाइट करती है, ठीक है, उसमें आपका 9,117 सीट है, ठीक है, 9,117 सीट है। और फिर अगर कैटेगरी वाइज हम बात कर लें तो सीट बढ़ जाती है, जैसे फीमेल सीट जो आपका है टोटल है 4,558 सीट है, ठीक है, 4,558 सीट है टोटल। तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इनका 33% रिजर्वेशन है, तो 4,558 पे सिर्फ गर्ल्स फाइट करेगी, ठीक है, सिर्फ गर्ल्स फाइट करेगी 4,558 पे। और जो आपका ओपन सीट था 9,117, इसमें भी गर्ल्स फाइट करेगी, तो मतलब इन लड़कियों को ये दोनों में मौका मिलेगा, ठीक है। तो अगर उनके कम परसेंटाइल भी है तो इजी है कि उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएंगे। कम परसेंटाइल कहने का मतलब है कि 30% से ऊपर है तो उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ईजिली बिहार इंजीनियरिंग में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे कॉलेजेस में उनका भी कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। अब UR में कितने सीट है, ठीक है, ऑन रिजर्व कैटेगरी में कितने सीट है, तो 13,647 सीट है टोटल, सॉरी 3,647 सीट है। और फिर अगर हम बात कर ले तो फीमेल UR में, ठीक है, फीमेल UR में टोटल कितने सीट है, तो 1823 सीट है, 1823 सीट है टोटल उनके लिए, ठीक है, 1823 सीट है टोटल उनके लिए। तो मतलब समझ सकते हो बहुत ज़्यादा सीट है यार गर्ल्स के लिए, एंड बॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा सीट है। तो प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से काउंसलिंग करना, चॉइस फिलिंग समय में कोई गलती मत करना और रजिस्ट्रेशन में भी कोई गलती नहीं करना। तो हम लोग बात कर लेते कि कट ऑफ क्या रहेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में, ठीक है। तो देखो लखीसराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस के टोटल आपके 120 सीट है, ठीक है, 120 सीट है, मतलब कोर ब्रांच के लिए आपका 60 सीट है, फिर AI और ML के लिए आपका 60 सीट है, मतलब टोटल 120 सीट है। अगर यहाँ पे अगर आपका एडमिशन लेना है तो अगर आपके 35% से ऊपर है तो यहाँ पे आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग नीचे से शुरू करेंगे ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ पाओ कि अगर कम परसेंटाइल है तो आपको ये सब कॉलेजेस मिल सकती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर में भी अच्छे खासा सीट है, ठीक है। समस्तीपुर में आपका टोटल 120 सीट है, वहाँ भी समस्तीपुर में भी टोटल 120 सीट है। यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो आपके 45% से ऊपर है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। शेखपुरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ पे कोर ब्रांच का ही 120 सीट है, ठीक है, कोर ब्रांच का ही 120 सीट है। और यहाँ पर एडमिशन लेना तो मेरा मानना है 50% से ऊपर है तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब भोजपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ पर कोर ब्रांच में 90 सीट है, ठीक है, 90 सीट है, और 90 सीट है तो यहाँ पर मैं मानता हूँ 35% से ऊपर है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ये नया कॉलेज है। इसका कैंपस पहले बख्तियारपुर में चलता था लेकिन अभी ये भोजपुर में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बक्सर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसका भी कैंपस जो चलता था बख्तियारपुर में चलता था लेकिन अभी इसका खुद का कैंपस हो चुका है। तो इसमें अगर कंप्यूटर साइंस की सीट की बात कर ले तो 120 सीट है टोटल, यहाँ पर भी आपको 30-35% से ऊपर है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है। और इसमें रिजर्व कैटेगरी भी चल जाती है, जैसे ओपन सीट आपका कंप्यूटर साइंस का 80 है, ठीक है, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों फाइट करेगी, और गर्ल्स के लिए रिजर्व है आपका 40 सीट, ठीक है, गर्ल्स के लिए रिजर्व है 40 सीट, जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही पार्टिसिपेट कर सकती है और उनके मतलब उनके लिए ही ये 40 सीट रखा गया है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है अगर कम
परसेंटाइल भी है तो उनको मिल जाता है। खगड़िया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो वहाँ IoT में 60 सीट है, फिर कंप्यूटर साइंस AI ML में 60 सीट है, मतलब टोटल 120 सीट है। तो वहाँ पे अगर आपका एडमिशन लेना है, अगर आपके परसेंटाइल 45% से ऊपर है तो आपको ईजिली वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अरवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ भी आपके टोटल 120 सीट है, ठीक है, 120 सीट है। यहाँ पे एडमिशन लेना है तो अगर आपके 40% से ऊपर है तो इजीली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ वाज आ रही है क्योंकि अभी थोड़ा काम चल रहा है हॉस्टल में, तो उससे आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। जहानाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ पे आपका 60 सीट है, मात्र 60 सीट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है आपको, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका एडमिशन लेना है तो यहाँ पे भी कम परसेंटाइल में आपको हो जाएंगे, मतलब कि 40% में जहानाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। सिवान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ पे आपको टोटल 120 सीट है, यहाँ पे एडमिशन लेना है तो 35% से ऊपर चाहिए, आपका JEE Mains में होना चाहिए, ठीक है। मधुबनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ भी 160 सीट है और यहाँ पे एडमिशन लेना है तो मुझे मेरा मानना है कि आपका अगर 50% से ऊपर है तो मधुबनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। गोपालगंज में भी अच्छे खासे सीट्स है, यहाँ पे अगर आपका एडमिशन लेना है, यहाँ पे टोटल 120 सीट है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीट अभी ऐड किया गया है जिसमें 30 सीट कर दिया गया है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 30 सीट कर दिया गया है। और कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे टोटल 60 सीट है जहाँ पे आप इजीली एडमिशन हो जाएगा अगर आपके परसेंटाइल 40% से ऊपर है तब, ठीक है, 40% से ऊपर है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैमूर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपके 90 सीट है, 90 सीट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो टोटल आपके 45% से ऊपर होना चाहिए तभी आपको यहाँ पे मिल पाएगा। औरंगाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, वो दोनों को जोड़ के 120 सीट है। अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो मेरा मानना है 35% से ऊपर है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और देखो वेस्ट चंपारण में आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं था लेकिन इस बार ऐड कर दिया गया है, 30 सीट यहाँ भी ऐड कर दिया गया है, तो 30 मतलब यहाँ पे 30 सीट कोर ब्रांच का है और साइबर सिक्योरिटी का 60 सीट है, तो टोटल यहाँ पे 90 सीट है। अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो अगर आपके परसेंटाइल 45% मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कॉलेज अच्छा है, ठीक है, अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो अगर आपके 60% से ऊपर है तो आपको वेस्ट चंपारण में इजीली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। सीहोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे मात्र 60 सीट है, यहाँ पे लेना है तो आपके 60% से ऊपर होना चाहिए। मुंगेर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अभी नया कॉलेज है, मतलब कि नया कॉलेज नहीं बोल सकते, 2021 या 22 में एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 120 सीट है, 120 सीट है तो यहाँ पर मेरा मानना है 45% या 40% से ऊपर तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब किशनगंज की बात कर ले तो किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का भी कट ऑफ उतना हाई नहीं जाता है, ठीक है, 60 सीट है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के कोर ब्रांच में और AI और ML में आपका 120 सीट है, यहाँ पे एडमिशन लेना है तो अगर आपके 50% से ऊपर है, ठीक है, 50% से ऊपर है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। नवादा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट है, अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो अच्छे परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब कि 60% होना चाहिए। जमुई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में न्यू कॉलेजेस है तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो टोटल आपके 45% से ऊपर होना चाहिए, 65 रहेगा तो 100% वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम वैशाली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ पे टोटल सीट है आपका 120, ठीक है, 120 सीट है, यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपके अगर 45 या 50% से ऊपर है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बांका इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ले तो गर्ल्स का कटअप थोड़ा कम ही जाता है और यहाँ पे IoT के भी 60 सीट कर दिए गए हैं और फिर 60 दूनी 120 सीट टोटल हो गया है कंप्यूटर साइंस में। अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो 50% से ऊपर है आपके JEE Mains में तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी 50% से ऊपर है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है कंप्यूटर साइंस में तो 60% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 65% से ऊपर होना चाहिए तभी आपको कंप्यूटर साइंस मिल पाएगा। कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी 65% से ऊपर होना चाहिए तब आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे मिल सकता है। BPMCE मधेपुरा, ठीक है, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो 75% से ऊपर होना चाहिए क्योंकि ये टॉप 10 कॉलेज में आता है,
टॉप 10 या टॉप 15 में आता है, ठीक है। सासाराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अगर आपका एडमिशन लेना है तो 55 या 55 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब जो कॉलेजेस है वो टॉप कॉलेजेस है, जैसे बेगूसराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के टोटल 120 सीट है, यहाँ पे एडमिशन लेना है तो 55 परसेंटाइल से ऊपर रहेगा तो मिल जाएगा, ये पुराना कॉलेज उतना नहीं है, ठीक है। SIT सीतामढ़ी में अगर आपका एडमिशन लेना है तो 65 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। BCE बख्तियारपुर की बात कर ले तो यहाँ पे अगर आपका एडमिशन लेना है, ठीक है, तो 85 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, 80 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए तो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। LNGPT छपरा की बात कर ले तो 86 परसेंटाइल से ऊपर है या 85 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप ट्राई कर सकते हो। चांडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी 86 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दरभंगा DCE दरभंगा की बात कर ले तो 75 परसेंटाइल से ऊपर है तो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। MCE मोतिहारी में भी 80 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 87-89 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और MIT मुजफ्फरपुर में बात कर ले तो 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब IT है वहाँ पे, IT मिल जाएगा, ठीक है। और फिर BCE भागलपुर की बात कर ले तो वहाँ